चलिए बच्चों, हम करते हैं नेट क्वेश्चन करते हैं आज, जो हमने कल आपको बताया था कि अपने कल रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइप का होता है, उस पर बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। सबसे पहला एक्सप्रेस द रेट ऑफ पोलिंग, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे एक्सप्रेस द रेट ऑफ पोलिंग रिएक्शन, तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है रिएक्शन में हमें रेट फॉलो करना है। तो सबसे पहले ले रहा हूँ मैं एच टू प्लस आई टू इक्विलिब्रियम टू एच आई, ठीक है। तो पहली है एच टू प्लस आई टू इक्विलिब्रियम टू एच आई, ठीक है। तो इसका जो रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसका, ये होगा आपका माइनस, हम इसका निकाल लेंगे पहले कि डी एच टू अपॉन डी टी, या माइनस डी आई टू अपॉन डी टी, ठीक है। तो दूसरा इसका रेट हो क्या होगा, रेट इक्वल टू प्लस वन अपॉन टू डी एच आई, डी एच आई अपॉन डी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर आते हैं हमारे पास कि हमको बोला जाता है कि एक्सप्रेस द रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, जो फॉलोइंग रिएक्शन है उसको हमें रेट ऑफ उसमें एक्सप्रेस करना है, ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन में उसमें करना है, ठीक है। ये तो पहला था, अभी सेकंड आ जाती है। सेकंड रिएक्शन हमारे पास है जैसे एन टू प्लस थ्री एच टू इक्विलिब्रियम टू एन एच थ्री, एन टू प्लस थ्री एच टू इक्विलिब्रियम टू एन एच थ्री। तो इसका जो रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसका, देखिए यहाँ पर माइनस डी एन टू अपॉन डी टी, ठीक है, इक्वल माइनस के वन बाई थ्री डी एच टू अपॉन डी टी, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। और जो हमारे पास ये तो होता है डिसअपीयरेंस, ये होता है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस, जो तब बताया था मैंने आपको। तो इसमें क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू प्लस वन बाई टू डी, क्या हो जाएगा, डी एन एच थ्री अपॉन डी टी और ये अपॉन में टू, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्रेस द रेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये आपकी दो कर लिए मैंने, टी सेल फाइव और इसका और कर देता हूँ, ये नोट कर लीजिए, इस साइड का मैं कर दूंगा, ठीक है, ये नोट करिए बराबर से जल्दी। तो हमने ये दो रिएक्शन कर ली थी, अभी वाली रिएक्शन करता हूँ मैं, थर्ड वाली, थर्ड वाली पी सी एल फाइव गिव पी सी एल थ्री प्लस सी एल टू, ठीक है। इसका जो आर होगा वो माइनस ये डी पी सी एल फाइव अपॉन डी टी, और दूसरा इसके आगे लेता हूँ बराबर रेट लिखने से, यहाँ पर प्लस ये तो आपको पता ही है, माइनस इसके लिए आया, प्लस डिक्रीज हो रहा है कंसंट्रेशन और यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो डी पी सी एल थ्री अपॉन डी टी, ठीक है, या डी प्लस सी एल टू अपॉन डी टी, इस तरीके से हम इसको एक्सप्रेस कर देंगे रेट ऑफ रिएक्शन। अब आती है नेक्स्ट, एक और बज जाती है एन ओ टू, ठीक है, हमारी ये बज जाती है एन ओ टू। तो इसमें देखिए फोर्थ में टू एन ओ टू गिव्स टू एन ओ प्लस ओ टू, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, रेट आर इक्वल टू एन ओ टू या माइनस वन अपॉन टू डी एन ओ टू अपॉन डी टी, या पॉजिटिव कर लेते हैं वन अपॉन टू, यहाँ पर आएगा डी एन ओ अपॉन डी, ठीक है, और प्लस डी ओ टू अपॉन डी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्रेस करके क्या कर लेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, अभी सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसी पर सब नोट करिए। चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू है, तो फाइव मोल्स पर लीटर ऑफ ज़ेडन सी ओ थ्री आर हीटिंग आफ्टर 9 सेकेंड, द कंसंट्रेशन ऑफ ज़ेडन सी ओ थ्री लेफ्ट बिहाइंड इज 2 मोल्स पर लीटर,
कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन है ना, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ZnO, तो ZnO से फ्लोर डिकम्पोजिशन हो रही है, क्या हो रही है, डिकम्पोज हो रहा है उसका, ठीक है। तो इसलिए कहा है कि 5 mol per liter ऑफ ZnSO4 है ना, तो उसका जो जो रिएक्टेंट है हमारे पास, ठीक, तो उससे जो प्रोडक्ट बढ़ा है 9 सेकेंड वर्क करना है, तो उसकी कंसंट्रेशन जो बन जाती है ZnSO लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है, वो बनती है 2 mol per liter, ठीक है। तो जो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये 5 mol per liter और यहाँ पर जो बन रहा है ये 2 mol per liter, इस पर क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो अब इसका रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, तो उसके बिहाइंड जो कंज्यूम करना है ना, वो रिएक्टेंट कंज्यूम करना है। तो इसमें पूछा गया है 5 mol per liter ऑफ ZnSO3 आर हीटेड, जब हम हीट करते हैं तो आफ्टर 9 सेकेंड है ना, आफ्टर 9 सेकेंड द कंसंट्रेशन ऑफ ZnSO3 लेफ्ट बिहाइंड इज 2 mol, जो 2 mol बचता है, ठीक है, ZnSO3 बिहाइंड 2 mol per liter। कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, वो डिकम्पोजिशन ऑफ ZnSO3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से क्वेश्चन करना है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, रेट, जो रेट ऑफ रिएक्टेंट ना, ये फॉर रिएक्टेंट के लिए होगा, फॉर रिएक्टेंट, तो रेट इक्वल टू आएगा यहाँ पर जो आपका आ जाएगा इस तरीके से, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर कंज्यूम अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो टाइम टेकन जो लगेगा, जो गिवन टाइम टेकन है, गिवन टाइम टेकन, तो 9 - 0 कितना हो जाएगा, 9, ठीक है भाई, इनिशियल तो 0 हो गया, और जब हमें समय कितना लग रहा है उसको करने में, 9, ठीक है, तो उस तरीके से ये 9 आ गया, ठीक। अब आते हैं हमारे पास जो चेंज इन कंसंट्रेशन है, चेंज इन कंसंट्रेशन वो क्या हो जाएगी, तो साथ में लिख सकता हूँ चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो वही आपका जो है इसमें क्या हो जाएगा, देखो ये आएगा आपका 5 - 2 कितना आएगा, 3 mol, कितना आ जाएगा बच्चों, 3 mol आ जाएगा। यहाँ पर मुझे कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन है ना, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, रेट, तो रेट निकालने के लिए हमने सबसे पहले क्या है, 5 mol, जो हमारे पास 5 mol दे रखे ZnSO3 के, वो जो बिहाइंड कंज्यूम हो जाते हैं वो कितना होता है, 2 mol है, तो 2 mol 5 में से कितना होगा, 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 रखते हैं, तो रेट जो आ जाएगा, रेट इक्वल टू 3 mol अपॉन टाइम टेकन कितना आ जाएगा, 9, ठीक है। तो क्या जाएगा, 3, ठीक है, 3 - 9 / 3 mol सही, ठीक है। इसको डिवाइड करके आपका जो आंसर आएगा वो लिख देंगे, ठीक है, 0.33 mol per second, ठीक है। इस तो ये है आपका क्वेश्चन है जो आपको बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, हेलो बच्चों, चलो हम चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर, हमारा केमिकल काइनेटिक में नेक्स्ट टॉपिक है आज हमारा क्या है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होती है उस पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट डालते हैं, है ना, कंसंट्रेशन है, देखिए दो तरीके से, वैसे मोस्टली कंसंट्रेशन हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है, टेम्परेचर है, ये होते हैं, बट बाकी इसमें काफ़ी होते हैं, जैसे नेचर भी बताना, उस रिएक्शन का नेचर भी बताना, कंसंट्रेशन भी बताना, कैटालिस्ट के बारे में भी बताना, ठीक है। तो वो चीज़ हम यहाँ पर बताएंगे इस फैक्टर में, ठीक है। तो वो रिएक्शन जो होती है हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है
उसमें हम कौन कौन से फैक्टर उस पर इफेक्ट डालते हैं, ठीक है, क्या क्या उस पर बेस है, क्या क्या उसमें होता है, ठीक है, कौन कौन सी चीजें उसको रिएक्शन को करने पर क्या हो जाती है, यानी कि कैटालिस्ट हो गया, सरफेस एरिया हो गया, ठीक है, कितना उस पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक, वो चीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम इस टॉपिक पर, है ना। लास्ट हमने इसमें इस टॉपिक से पहले हमने कुछ क्वेश्चन कराए थे, है ना, वो क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस लाइक कंसंट्रेशन ऑफ वन और मोर रिएक्टेंट्स, प्रेशर इन गैसेस, है ना, और टेम्परेचर, कैटलिस्ट एंड सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो जो डिपेंड करता है रेट ऑफ उस पे रेट की, है ना, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है किस पे, एक एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पर करता है। जो भी चीज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ये पढ़ रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंटल होता है सारा, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल में करके सब चीजें निकाली जाती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये होती है, बट ये एक्सपेरिमेंटल करके बताया गया है इस चैप्टर में। ये सब चीजें के बारे में बताएंगे इसमें, क्या क्या टेम्परेचर है, कैटालिस्ट है, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स है ना, कंसंट्रेशन हो गया, प्रेशर एंड गैसेस हो गया, ठीक है। तो प्रेशर तो काम लगेगा, जहां पर हमारे पास रिएक्टेंट क्या होगा, गैसेस फॉर्म में होगा, है ना, तो वो वहां पर हमारे पास फैक्टर इन प्लस रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहला नेचर ऑफ क्या है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, है ना। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट में क्या है कि सबसे पहले हम ले रहे हैं, देखिए रिएक्शन तो हमारे पास काफी तरह की होती हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आयनिक रिएक्शन लिया हमें, है ना, आयनिक रिएक्शन आपको पता है कि बहुत तेजी से होती है ना, फास्ट होती है। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें आयंस होते हैं, है ना, तो आयंस जल्दी जल्दी मूवमेंट करके, तेजी से मूवमेंट करके अलग सा क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बना देते हैं, है ना। तो बच्चों सबसे पहले तो हम बता देते हैं कि आयनिक रिएक्शंस जो होती हैं वो आपको पता है कि वो बहुत तेजी से होती है, क्या होती है, बहुत तेजी से होती है, ठीक है। तो आयनिक रिएक्शन में क्या है कि विद हाई स्पीड, है ना, ये केस के साथ होती है, विद हाई स्पीड के साथ होती है, क्यों होती है, देखिए लाइक NaCl AgNO3 AgCl प्लस NaCl, ये होती है इसलिए क्योंकि इसमें जो सारी चीजें हमारे पास जो होते हैं वो क्या होता है, आयंस में होते हैं, है ना। ये क्या होगा, ये भी Na पॉजिटिव, ये Cl नेगेटिव, ये Ag प्लस और ये NO3 माइनस है, तो दोनों क्या करते हैं, ये एकदम से अटैक कर देते हैं दूसरे आयंस है, ठीक है। तो ये Ag बहुत तेजी से हो जाता है, ठीक है, तो ये एक नेचर हो गया इसका। दूसरा है कोवेलेंट रिएक्टेंट, कोवेलेंट रिएक्टेंट विद स्लो स्पीड, है ना, स्लो स्पीड के साथ क्यों होती है, अब इसका क्यों होती है, देखिए इसलिए होती है क्योंकि देखिए यहाँ पर जैसे मैंने गैस लिया है N2+3H2 और 2NH3 लिया है, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आता है, देखिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, पहले ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना, उसके बाद सिंगल बॉन्ड ब्रेक होगा, तब जाकर के वो अटैक करेगा किस पर, H बॉन्ड N, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ, उसके बाद टाइम टेकन, टाइम लगा उसको बनने में प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट बनने के बाद में तब वहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन बना इस तरीके से अमोनिया। तो ये भी एक नेचर है इसका, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स का, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कोवेलेंट रिएक्टेंट्स हो गया, उसके बाद आयनिक हो गया, अब एक और कर लेते हैं कि होमोजेनियस रिएक्टेंट्स और हेटरोजेनियस रिएक्टेंट्स क्या है। देखिए होमोजेनियस रिएक्टेंट्स क्या है, अभी मैंने पीछे आपको बताया था होमोजेनियस रिएक्टेंट के बारे में बताया था, और उसके बाद हेटरोजेनियस के बारे में बताया था कि वहाँ पर जो हमारे पास जो होमोजेनियस रिएक्टेंट्स होते हैं वो सेम साइज ऑफ मॉलिक्यूल होता है, उनका साइज वो सेम ही होता है, ठीक है। इसमें जो होता है हेटरोजेनियस में डिफरेंट होता है, तो इन दोनों का जो होगा नेचर रेट ऑफ रेट होगा वो इसका हाई होगा, है ना, इसका होगा होमोजेनियस रिएक्टेंट का हाई होगा, ठीक है, ओके। तो ये है हमारे फैक्टर अफेक्टिंग, है ना, रेट ऑफ नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स के, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड है, इसके बाद हम थर्ड और कराते हैं, एक थर्ड और होता है इसका, है ना, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड, ये इसी में आ जाता है ये, ठीक है। तो ये वाला है सेकेंड, ये सेकेंड है वाला, ठीक है, अब हम थर्ड करते हैं, ठीक, तो अभी नोट करिएगा, फिर हम करते हैं आगे। चलिए अब देख लेते हैं, हम थर्ड वाला ऑप्शन देख लेते हैं, यानी हमारे पास दो तो हो गए थे ऑप्शन, अब थर्ड देख लेते हैं। तो थर्ड में क्या है, आर एन रिएक्टेंट, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्टेंट, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, है ना, इस स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज इनवर्सली स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी क्या है यहाँ पर, ये केमिकल नेचर है, क्या है इसका, केमिकल नेचर, केमिकल नेचर का मीन्स ये है कि रिएक्शंस तेजी के साथ में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना लीजिए, है ना, रिएक्टेंट जितना स्टेबल होगा, जितना हमारा रिएक्टेंट क्या होगा, स्टेबल होगा
उतनी जल्दी से हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट बन जाएगा, भाई प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि हम आपको यहाँ पे बता रहा हूँ मैं कि ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट है ना, और इनवर्सली डायरेक्टली इनवर्सली कितने होगा, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट के होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है लाइक CH3COOH है ना, ये CH3CO प्लस H पॉजिटिव बना रहा है, तो ये यहाँ पर इन दोनों में दूसरी रिएक्शन ये है HCOOH है ना, और एच बॉन्ड COO प्लस H पॉजिटिव। अब इन दोनों में मोर स्टेबल स्टेबल कैसे, यहाँ पर तो ये अनस्टेबल है ये स्टेबल है, वो कैसे होगा क्यों, ठीक है। जितना यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये CH3 है और यहाँ पर COOH माइनस नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर चार्ज और आ रहा है ना, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पर जो ये हमारे पास ये है ना, ये उसको इलेक्ट्रॉन और दे रहा है ना, इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, लेने की बजाय दे रहा है, तो ये क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा है ना। और ये क्या है, H पॉजिटिव है, तो H पॉजिटिव आपको तो पता है कि H कितना होता है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पर ये इसको इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा, तो क्या होगा ये स्टेबल, क्या होगा ये स्टेबल होगा, तो H पॉजिटिव, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा यहाँ पर R रेट ऑफ रिएक्शन, ये R O का मतलब, R O R का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट और रेट ऑफ रिएक्शन सेकंड है ना, तो यहाँ पर क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन इज मोर देन रेट ऑफ रिएक्शन सेकंड, ठीक है, तो ये अनस्टेबल का एक नेचर हुआ, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट आता है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, अभी आता है हमारे पास दूसरा है ना, दूसरा आता है आपका फैक्टर अफेक्टिंग, सेकंड आता है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। तो फिजिकल स्टेट में देखिए गैसेस हो गया, लिक्विड हो गया, सॉलिड हो गया है ना, तो गैस लिक्विड गैस सॉलिड, गैस लिक्विड और सॉलिड में क्या होता है कि जो गैस होती है वो लिक्विड से ज्यादा क्या होती है, मोर स्टेबल होती है ना, इसका रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है उसका सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड का, फिर उसके बाद सॉलिड का। अब इसका गैसेस का क्यों होता है, गैसेस का इसलिए होता है क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीडम होते हैं है ना, वो फ्रीली मूवमेंट करते रहते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर ये रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल है ना, मोर ज्यादा करते हैं, तो अगर मैं जैसे यहाँ बता दूँ आपसे कि ये आपका मॉलिक्यूल है ए और यहाँ पर है बी मॉलिक्यूल घूम रहे हैं, तो ये आसानी से क्या होंगे, आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी ये स्टेट ऑफ रिएक्शन इसका जो होगा वो पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्शन है। यहाँ पर सॉलिड है, सॉलिड में क्या होता है कि जब क्या है सॉलिड फॉर्म में होते हैं, पहले तो बॉन्ड ब्रेक होगा इनका, उसके बाद में क्या होगा इनका ये कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। ये होता है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। अब आते हैं नेक्स्ट आता है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। तो सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट में सॉलिड में क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन आर ओ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ इसमें कि सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी रिएक्टेंट यानी मान लीजिए कोई भी अगर पास सॉल्वेंट है उसमें अगर हम सॉलिड मिला रहे हैं है ना, तो वो किस तरीके से उसके एरिया को कवर करेगा, यानी कि उसमें मिक्स होने में कितना तेजी से मिक्स होगा। हमारे जो फॉर एग्जांपल है कि एक हमारे पास मग में मिल्क है, ठीक है, उसमें मिल्क है, तो मिल्क में अगर मैं ये एक तो बड़े क्यूब होते हैं शुगर के, ठीक है, एक बड़े क्यूब होते हैं और एक होते हैं स्मॉल जो छोटे छोटे से होते हैं, तो ये ज़्यादा जल्दी उड़ेंगे या ये वाले जल्दी उड़ेंगे, तो इसमें जो सबसे फास्ट इसमें डिसॉल्व होंगे वो ये छोटे वाले होंगे, ठीक है, छोटे वाले मॉलिक्यूल इसमें जल्दी इजीली क्या हो जाएंगे डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर जो है तो शुगर पाउडर इज ग्रेटर देन शुगर क्यूब, यानी शुगर पाउडर सबसे जल्दी से घुलेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो डिसॉल्व इन मिल्क, यहाँ पर ये है डिसॉल्व इन मिल्क सॉल्वेंट एंड वाटर है ना, डिसॉल्व इन मिल्क सॉल्वेंट इन वाटर, तो ये हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स का थर्ड। इसके बाद चलते हैं हम फोर्थ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट है ना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट में जो हमारे पास रिएक्शन हमारे पास जो लाइट की प्रेजेंस में होती है जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट होती है ना, तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है इंक्रीज करके उनको रिएक्शन को डेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हमें कर देते हैं, यानी वो कैटलिस्ट का काम करती है तरीके से, ठीक है। तो अभी आप आगे बताते हैं हम नेक्स्ट उस पर, तब तक नोट करिए। चलिए बच्चों चलते हैं हम आगे, फोर्थ पॉइंट है इसका इंटेंसिटी ऑफ लाइट है ना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। देखिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होती है कि जब हम किसी भी रिएक्शन जब रिएक्शन हो रही होती है तो उस पर हम लाइट डालते हैं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट लाइट होती है ना, तो
तो वो क्या होता है वहां से फोटोन है, ये डिपेंड करती है फोटोन एनर्जी पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो कितनी एनर्जी उस पर ज्यादा, हम जितनी एनर्जी हम ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन में यूज करेंगे उतनी ही तेजी से वो रिएक्शन फास्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सम रिएक्शंस आर फोटो सेंसिटिव, फोटो सेंसिटिव, फोटो सेंसिटिव का मतलब होता है फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है जो फोटोन से मिलकर बनती है, जो लाइट हमारे पर हम तक आ रही है। वो लास्ट हमने 11th क्लास में आपको बताया था, जो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया था, है ना, ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की थी आपको याद हो तो, है ना। तो उसमें हमने एनर्जी के बारे में बताया था आपको कि जो हम तक एनर्जी आ रही है वो फोटोन पैकेट के रूप में आ रही है। तो उसी तरीके से यहाँ पर एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, लाइट सेंसिटिव उसको बोलते हैं, है ना। सम रिएक्शंस आर फोटो सेंसिटिव या लाइट सेंसिटिव, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए समझिए, जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है H2+Cl2H𝛎और 2HCl, ठीक है। तो ये जो होता है फोटोन, फोटोन होता है, ठीक है, यानी एनर्जी, एक एनर्जी ही होती है जिसकी प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर इंक्रीज करते हैं, है ना, जितनी हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट जितने भी हम लाइट इंक्रीज करेंगे उतना ही नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा निकलेंगे। यानी कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 60 वाट का बल्ब लगा हुआ है रूम में, तो उससे कम हीट होगी, अगर हम 200 वाट का बल्ब लगाते हैं तो उस रूम में वो ज़्यादा ही हीट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जैसे ही इंटेंसिटी ऑफ लाइट हम बढ़ाएंगे तो उसी तरीके से नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, बहुत तेजी के साथ होगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। ये भी एक फैक्टर है इसका, ये हमारे पास रिएक्शन का। अब आते हैं कैटलिस्ट। अब जो कैटलिस्ट के बारे में तो आप अच्छी तरीके जानते हो कि कैटलिस्ट जो होते हैं वो रिएक्शन की स्पीड को बहुत तेजी से बढ़ा देते हैं, यानी हेल्प करते हैं कि रिएक्शन को और तेजी से हम जल्दी से कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैटलिस्ट है विच स्पीड ऑफ डाउन, है ना, इसकी स्पीड ऑफ डाउन होती रहती है कि हम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, द कैटलिस्ट क्या होता है, एक सेट ऑफ एन अल्टरनेट पाथ होता है फ्रॉम रिएक्शन टू प्रोडक्ट विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। अभी लोअर एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, देखिए बच्चों, जब कोई भी रिएक्शन होती है कि वो एक सीधे कर्व होती है, तो पहले क्या होता है कि वो रिएक्शन तेजी से बढ़ती है, उसके बाद में स्लो, मतलब एक तरीके से प्रोडक्ट जब बनाती है तो वो एक प्रोडक्ट के जब बनते हैं तो वो एक स्लो मोशन में आता है। तो उस तरीके को हम एक कर्व के रूप में देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये एनर्जी एनर्जी ग्राफ है, है ना। तो आगे क्या होता है कि जब रिएक्टेंट इस तरीके से बढ़ता है, देखिए एक सीधा नहीं होता है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट की ओर बढ़ता है तो वो इस तरीके से बढ़ता है, उस तरीके से कर्व आ रहा है ना। तो ये यहाँ पर ये कर्व आ रहा है, इस तरीके से एक प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये यहाँ तक आई है वो विदाउट क्या है, विदाउट विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है, ये विदाउट कैटलिस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या है, विदाउट कैटलिस्ट। तो विदाउट कैटलिस्ट के अगर हम इसके साथ में कैटलिस्ट करते हैं तो ये जो आएगा वो इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो विद कैटलिस्ट, है ना, विद कैटलिस्ट तो एक्टिवेशन एनर्जी जो हो जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, विद कैटलिस्ट, ये एक्टिवेट एनर्जी होती है जो इसको यहां तक लाने पर करती है, एनर्जी वेस्ट होती है, उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी आपके कोर्स में कट चुका है इस बार, ठीक है। चलिए, तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये SO2+O2NO और SO2, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो तो कैटलिस्ट जो होता है वो अकॉर्डिंग क्या होता है कि SO2+O2, है ना, ये NO है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड SO3 बनता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो करता है वो किसके डिपेंड करता है, वो NO यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कैटलिस्ट पे ही डिपेंड करता है कि जितना कैटलिस्ट पे आप रेट ऑफ रिएक्शन के साथ कराओगे उतनी तेजी से वो रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विदाउट रिएक्टेंट क्या हो रहा है, कर्व हमारा ऊपर की ओर आ रहा है, और जब हम इसके साथ कैटलिस्ट के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं तो ये कर्व हमारा जो बन के आ रहा है वो थोड़ा सा नीचे की ओर बन के आ रहा है, ये एक्टिवेशन जितनी लो हो रही है, ठीक है, विद कैटलिस्ट के प्रेजेंस, ठीक है। तो ये आपका 5th था, ठीक। अभी आगे बढ़ते हैं, इसका 6th हैं, टेम्परेचर वगैरह देखते हैं, टेम्परेचर में क्या होता है, ठीक है, तो अभी नोट करिए।